subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो हंग्री स्पिरिट, मैं अकील बोल रहा हूँ दिल्ली से। मुझे सना के फैन से ये शिकायत है कि आसिम की गलतियाँ आप देखते नहीं हो, बहुत पहले से भी ये गंद मचाता हुआ आ रहा है सना और बीच। इसमें पहले भी इनने बहुत बार लड़ाई कराई है और पहले भी सना को भड़का रहा था कि सिर यूज़ करता है छोड़ देता है, सिर यूज़ करता है दोस्त बनाता है छोड़ देता है। कभी उसने ऐसे दोस्त नहीं बनाए, छोड़ दिया। आसिम ये खुद अपने आप अलग हुआ है अपने ईगो की प्रॉब्लम की वजह से। सना को तो उन्हें कभी नहीं छोड़ा, सना से नाराज़ हो जाता, सना आती है मनाने, मानता कि नहीं, और वो सना नाराज़ होती है तो वो भी मनाने जाता है ना, तो उसके अंदर कहाँ है, यूज़ एंड थ्रो वाली बात कहाँ से आई। और उनका रिश्ता ही दोस्ती से थोड़ा अलग ही है, तो उसको जज मत करो, होता है ऐसा, ठीक है। कल भी बहुत कोशिश कर ली, परसों भी बहुत, दो दिन उन्होंने बहुत कोशिश कर ली पर कुछ नहीं कर पाया। इनका रिश्ता टूटने वाला नहीं है, अब तो वैसे भी शो ख़त्म हो रहा है, वैसे भी ये टूटने वाला नहीं है क्योंकि अब कोई भी इतने ज़्यादा पंगे नहीं लेगा। हाँ, सना के फैंस ऐसा करते हैं कि उसको सपोर्ट करने लगते हैं आसिम को। और आप लोग अगर देखना चाहते हो आसिम की असलियत और आसिम के फैंस की असलियत, तो DSK चैनल है, उसके पोस्ट पे देखना आप, उसने कितनी वाहियात चीज़ें बोली हैं सना के बारे में। DSK की अगर कोई वीडियो देखता हो, DSK टॉक्स, तो बहुत गंदा घटिया इंसान है वो भी, और आसिम भी, और आसिम के फैंस भी। जो सना तो क्या किसी की भी किसी भी औरत की इज़्ज़त नहीं करते हैं, और सना के बारे में तो इतना गंदा गंदा आसिम ने खुद भी बोला है, ठीक है, और उसके फैंस भी बोलते हैं और DSK टॉक भी बोलता है। उसने एक वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट किया वहाँ पर, बहुत गंदा गंदा लिखा हुआ है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, आप देख लीजिए वहाँ जाके, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जो आप लोग बीच में बहुत सपोर्ट करने लगे थे ना, आसिम सना दोनों कपल बनाने लगे थे, उनका नाम फ्रेंडशिप बनाने लगे थे, ट्रेंड बनाने लगे थे, तो आंखें खोल लो आप लोग। जब सना को सिद्धार्थ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सना के फैंस को सिद्धार्थ से क्या प्रॉब्लम है, या सना के फैंस को सिद्धार्थ के फैंस से क्या प्रॉब्लम है। अब मैं दोनों से कहना चाहता हूँ, ना सिद्धार्थ के फैंस को सना से प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना ही सना के फैंस को सिद्धार्थ से प्रॉब्लम होनी चाहिए। यार उनकी लड़ाई है वो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा। शहबाज ने भी अपने इंटरव्यू में कहा है वो 15-20 मिनट से ज़्यादा लड़ते नहीं है, 15-20 मिनट का जो कंटेंट दिखाते हैं वो इन्हीं में लड़ाई होती है, मनाते हैं एक दूसरे को, सॉर्ट आउट हो जाता है। तो उन दोनों को जज करना बंद कर दो, अपने अपने फेवरेट्स को सपोर्ट करो जमकर, आपस में मत लड़ो बस, ठीक है। थैंक यू सो मच हंग्री स्पिरिट। हेलो हंग्री स्पिरिट, मैम जी नमस्ते, सर जी नमस्ते। मैडम एक बात बताओ, ये आरती जो बोल रही है कि तूने पारस को बचाया, ए भगवान, मैडम आप देखो, जब सिद्धार्थ डे ने आरती के साथ इतना बुरा बुरा किया था, उसके लिए किसने स्टैंड लिया था? सिद्धार्थ नहीं लिया था ना, वो ही उससे लड़ा था ना मैडम, लड़ा था कि नहीं लड़ा था? और हमेशा लड़ा, वो बात तक लड़ा वो उसके साथ। उसके बाद देखो मैडम, कि कहते हैं उसको गाड़ी वाले टास्क में, जब कार ले जानी थी शूं करके, गाड़ी वाला टास्क, उसमें भी मैडम देखो सना ने आसिम को बचाया, ठीक है मैडम। और फिर एक बारी जब सिद्धार्थ और आसिम दोनों थे, तो फिर आरती ने उसको बचाया, किसको? आसिम को बचाया, ठीक है ना मैडम। और सना ने तो कई बारी उसको, आसिम को बचाया है और कैप्टन भी बनाया है, अगर आपको याद हो। मेरे दिमाग में इतना तो नहीं मैं जोड़ डाल सकती, पर जहाँ तक मुझे पता है, और मैं अभी सोच रही हूँ क्योंकि। और उसके बाद मैडम क्या कहते हैं उसको, अभी मतलब हर बारी, और तो सना भी बार बार बोल रही है कि तूने मेरा नाम नहीं लिया, मैं मेरे को तेरे से इतनी, यार एक बात बताओ, उस बंदे ने बचा दिया, मैं तो अपनी तरफ से ये कह रही हूँ, अगर उसने बचा दिया तो क्या हो गया? फिर तुम उससे पता नहीं क्या क्या खुलवा रहे हो। फिर जब उसने ये बोल दिया कि मैं इन दोनों में से किसी एक को चूज नहीं कर सकता था, तो भी इन्हें दिक्कत हो रही है, तो भी इन दोनों को दिक्कत हो रही है। और आरती तो कह रही है, मैंने आरती क्या कह रही है सिद्धार्थ को, मैंने हमेशा तेरा साथ दिया। ओ माई गॉड, आरती क्या बोल रहे हो यार आप? आपका प्यादा बढ़ाया था सिद्धार्थ ने मैडम, आरती आगे बढ़ाया था उसने आपका प्यादा और आपको बचाया था। रोज डे वाले में भी उसने आपको सिलेक्ट किया, हर टास्क में उसने आपको आपका साथ दिया आरती मैडम। इसी बात से तो सना परेशान रहती है, और आप बोल रही हो आपने क्या करा, वाह वाह, और आप बोल रही हो कि सिद्धार्थ मैंने तेरा साथ दिया, क्या साथ दिया आपने उसका? ऐसे मत करो आरती मैडम, सिद्धार्थ ने आपका साथ दिया है,
ये वाली गलत बात मत करो, तुम सब में से किसी ने भी सिद्धार्थ का एक प्यादा तुम दोनों ने बढ़ाया था, एक बार सना ने, एक बार तुमने और तीसरी बार फिर पारस ने। ठीक है आरती मैडम, सना को और आरती मैडम आपको तो सिद्धार्थ ने दे दिया था इसका बदला। ठीक है कुछ भी बोलो तुम लोग कि उसने तो कर दिया अपना, चुका दिया। वो तो कहता है मैं ना, मैं अगर इस मतलब उसका नेचर है ये, वो किसी का लेगा नहीं, किसी को दे देगा। और अगर उसके लिए किसी ने कर दिया तो वो उसको जरूर देगा वापस, वो कहता है मुंह से। अरे वो जब कह रहा है तो क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उससे? वो नहीं लेके जाएगा वो पारस। आज उसने पारस को बचा दिया क्योंकि पारस ने भी उसका प्यादा बढ़ाया था लास्ट में। पहले पता नहीं सना ने बढ़ाया, फिर आरती ने बढ़ाया क्योंकि तुम लोगों का बेकार जा रहा था वो, इसलिए तुम लोगों ने बढ़ाया। और फिर पारस ने भी इसीलिए बढ़ाया था क्योंकि किसी, अगर वो माहिरा का बढ़ाता तो माहिरा का भी काम नहीं आता ना, बेकार जाता उसका, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सेव कर दिया। लेकिन उसने सबका, सबके लिए किया है ना हमेशा सिद्धार्थ ने। मैं अभी ना किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ सिद्धार्थ के बारे में बात कर रही हूँ और मुझे किसी के बारे में बात करनी भी नहीं है सिद्धार्थ के अलावा। मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि सब बोल रहे हैं कि सिद्धार्थ जो है वो उसने पारस को क्यों बचाया। हे भगवान क्या कर रहे हो, क्या पूछ रहे हो बार बार। और मैं रश्मि मैडम, रश्मि जो इतना भड़का रही है, इतनी आग लगा रही है कहानी सुना सुना कर, उसको सना को इतनी कहानियाँ सुना रही है, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही। रश्मि मैडम आप तो बाहर निकल चुके, आप बार बार बोलती हो ना कि बिग बॉस बायस है, बिग बॉस बायस है, बिग बॉस बायस है, इसके लिए सिद्धार्थ के लिए बायस है। रश्मि मैडम आपको कह रही हूँ मैं कि आप बोलती हो बार बार कि बिग बॉस बायस है। अरे बिग बॉस तो आपके लिए बायस है रश्मि मैडम, आप हो क्या है आपकी इस शो में? आप और आरती कहाँ पर हो? कहीं पर भी नहीं हो तुम दोनों, ठीक है ना? लेकिन फिर भी बिग बॉस ने तुम दोनों के साथ बहस बना, अभी विशाल को बाहर निकाल दिया, आरती को अंदर लिया है। रश्मि मैडम आप तो बाहर थी और आप अंदर आई, ठीक है, खुद तो अंदर आई आई अपने वो अरहान को भी ले आई, फिर दोबारा ले आई अरहान को एक बारी और। तो कहाँ है मैडम एक बात बताओ, रश्मि क्या बकवास कर रही थी? रश्मि कि क्या बोलते हैं उसको, है क्या रश्मि? रश्मि को तो अभी ये पता भी नहीं है कि उसने अपनी इमेज क्या बना ली है बाहर जनता के बीच में उसकी। मैं अब अभी यार प्लीज़ मेरे पीछे मत पड़ना कोई भी, जो भी चलो अच्छी बात है, पढ़ोगे भी तो क्या है, तुम लोग भी तो बोलते हो यार, किसी ने सब बोलते हैं ना किसी ने किसी के बारे में। तो प्लीज़ अब ये मत बोलना कि आप मैडम इसके बारे में भी मत बोलो। अब मैं तो सिर्फ बिग बॉस को उसके आप अपने नज़रिए से बता रही हूँ कि आप लोग सिद्धार्थ के, ये सॉरी, इस बिग बॉस के घर वाले सिद्धार्थ के पीछे पड़ गए। पारस को बचाया, पारस को बचाया, पारस को बचाया, बंदे को पागल कर दिया, लड़ रहे हो उससे तुम, और हरदम बोलते हो, क्या बोलते हो, सिद्धार्थ ऐसे करता है, लड़ाई करता है, लड़ाई कर रहा है। अरे क्या बोल रहे हो यार, अगर सिद्धार्थ लड़ाई करता है फिर उससे बात ही क्यों कर रहे हो यार तुम लोग? मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, अगर सिद्धार्थ लड़ाई कर रहा है तो तुम लोग बात क्यों करते हो उससे? क्या अपनी बातें बनाते रहते हो अपने आप में सारे के सारे? मैं किसी एक को नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, जितने भी अंदर बैठे हुए हैं ना वो सारे के सारे बिग बॉस के घर में। तो मैडम सिद्धार्थ जैसा भी है वो दिखाता है, वो मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। ये लोग तो नाटक कर रहे हैं सबके सब, और बायस किसके साथ है? बिग बॉस दिख रहा है जनता को, लोगों को दिख रहा है कि बिग बॉस किसके साथ बायस है ना मैडम? बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि सिद्धार्थ ने जो भी करा सही करा और वो सही है, बस मैं अपने नज़रिए से ये बता रही हूँ आपको। और अगर बिग बॉस बायस तब होगा अगर इस गेम को सिद्धार्थ के अलावा कोई और जीत गया, तब पता चलेगी ये बात। ओके मैम, नमस्ते, थैंक यू मैम। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.